वेलकम टू फॉर्म ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बेल ड्राइव का पार्ट थ्री। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट वन और पार्ट टू कंप्लीट कर लिया है, आज हम देखेंगे पार्ट थ्री। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एडवांटेज ऑफ वी बेल्ट, वी बेल्ट के एडवांटेज के बारे में जानेंगे। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उसे समझते हुए चलते हैं। एडवांटेज बेल्ट ड्राइव का हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे और यहाँ पर ये बताया जाएगा किस तरह से इसको सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे लिखना है, किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। अगर एग्जाम में आ गया कि बी पट्टा का लाभ बताइए, तो हम इन सब बातों को उसमें इंक्लूड करेंगे। देखिए पहला क्या बताया गया है, यह चालन कम दूरी पर स्थित दो घिरनियों को आपस में जोड़कर शक्ति पारित करने के लिए अत्यंत उपयोगी है। मतलब कि कम दूरी पर बी बेल्ट का जो यूज होता है वो फ्लैट बेल्ट की अपेक्षा कम दूरी पर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए पारेषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, सिरा विहीन मतलब इसका सिरा नहीं होता, मतलब किस तरह से बेल्ट हो, सिरा विहीन पट्टा होने के कारण शक्ति पारेषण के दौरान बिल्कुल आवाज़ नहीं होती है। ठीक है, अतः यह शांत चलता है। एक एडवांटेज ये है कि ये जिसमें जो है बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती है। ठीक है, तीसरा दिया गया है, पट्टे के खांचे में फंसे होने के कारण पुली की परिधि पर पट्टे के फिसलने की संभावना समाप्त हो जाती है, अर्थात इस चालन में फिसलना बिल्कुल नहीं होती है। मतलब कि हम लोग जानते हैं जो वी बेल्ट होता है वो पुली में खांचे बने होते हैं, उसके दो तीन जितने भी वी बेल्ट लगने हैं उसको ग्रुप्स कटे होते हैं, खांचे बने होते हैं, जिससे कि बेल्ट बिल्कुल भी स्लिप नहीं करता है। ठीक है, मतलब कि यह पॉजिटिव ड्राइव तरह वर्क करता है, इसमें बिल्कुल ही कोई फिसलन नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिए, पुली तथा पट्टे के मध्य घर्षण बल अधिक होने के कारण प्रभावकारी तनाव अधिक प्राप्त होता है। यानी पुली और पट्टे के मध्य जो घर्षण बल होता है वो अधिक होता है, अधिक होता है किससे, फ्लैट बेल्ट जो होता है उसे यहाँ पे अधिक होता है, जिसके कारण प्रभावी तनाव अधिक प्राप्त होता है, जो तनाव होता है उसमें अधिक प्राप्त होता है और पावर का ट्रांसमिशन भी अधिक हो पाता है। ठीक है, आगे देखिए, एक पट्टे के द्वारा चपटा पट्टा चालन की तुलना में अधिक शक्ति पारित की जाती है, मतलब कि इस पट्टे के द्वारा जो है फ्लैट बेल्ट ड्राइव की तुलना में अधिक शक्ति का पारेषण किया जा सकता है। ठीक है, आगे है, इसे ऊंच वेग अनुपात पर प्रयोग किया जा सकता है, जो वी बेल्ट है उसे ऊंच वेग अनुपात मतलब कि हाई जो है वेलोसिटी रेशियो पर जो है उसका यूज कर सकते हैं। एक से अधिक पट्टा प्रयोग करने पर यन गुना शक्ति पारेषित की जा सकती है, जैसे कि हम जानते हैं कि वी बेल्ट ड्राइव में जो पुली होती है उसपे एक से अधिक पट्टे यूज किए जा सकते हैं, तो जितना ज़्यादा पट्टा यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा हम शक्ति का पारेषण कर पाएंगे। यहाँ पे यन गुना का मतलब है दो गुना, तीन गुना, चार गुना, जितना भी हो बेल्ट उसमें लगा देंगे उतना गुना हम शक्ति को पारेषित कर सकेंगे। आगे देखिए, इस चालन में क्षैतिज ऊर्ध्व या आनत तल पर झूठी शाखों के मध्य सुगमता पर शक्ति पारेषण किया जा सकता है, मतलब कि बी बेल्ट के द्वारा जो है पावर का ट्रांसमिशन चाहे वो ऊर्ध्वाधर हो, वर्टिकल हो, वर्टिकल वर्टिकल शाफ्ट लगा उसमें, चाहे क्षैतिज हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो, चाहे इंक्लाइंड हो, ठीक है, चाहे सीधे सीधे पावर का ट्रांसमिशन किया जाना हो इस तरीके से, या फिर ऊपर पुली लगा हो इस तरीके से, या फिर किसी एंगल पर किया जाना हो पावर का ट्रांसमिशन, तो वी बेल्ट के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, आगे है, यह अधिक झटके सोखने की क्षमता रखता है, वी बेल्ट ड्राइव अधिक झटके सोखने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट जो है, वी बेल्ट का जीवन का अधिक होता है, इसकी जो लाइफ होती है वो अधिक होती है, फ्लैट बेल्ट की अपेक्षा में इसका जीवन काल अधिक होता है। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे, आगे दे रखा है चपटा पट्टा तथा वी पट्टा में अंतर, दोनों में, अगर ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दोनों में क्या अंतर है, फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट में अंतर को बताइए। तो आइए देखते हैं क्या क्या अंतर है, काफ़ी कुछ तो हम लोग समझ चुके हैं, यहाँ पर एक बार देख सकते हैं कि एग्जाम में आएगा तो क्या कौन कौन सी बातें हम लोग लिख करके आएंगे। सबसे पहला है कि चपटा पट्टा के बारे, फ्लैट बेल्ट के बारे में क्या है, उसमें बताया गया खुला पट्टा एवं क्रॉस पट्टा दोनों ही विधियों से पट्टा लपेटा जा सकता है। जो फ्लैट बेल्ट ड्राइव है, चपटा पट्टा चालन जो है उसमें क्या होता है, पट्टे को जो है खुला मतलब कि इस तरीके से अक्रॉस, जैसे कि हम देखे हैं कि पुली यहाँ बनी होती है तो इसको इस तरीके से भी बेल्ट को चढ़ाया जा सकता है, किस कंडीशन में, फ्लैट बेल्ट ड्राइव के कंडीशन में, चपटा पट्टा चालन के कंडीशन में। ठीक है,
वी पट्टा चालन में क्या होता है, केवल पट्टा खुला विधि से ही लपेटा जा सकता है। इसमें केवल खुला विधि से ही, मतलब एक पुल यहाँ है एक पुल यहाँ है, इसके ऊपर ऊपर से ही लपेटा जा सकता है। क्रॉस वाला सिस्टम वी बेल्ट में नहीं होता है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है दोनों के बीच में अंतर हो गया। आगे देखते हैं, पुली की परिधि पर केवल एक ही पट्टा लपेटा जा सकता है। जब फेल्ट बेल्ट ड्राइव है, फ्लैट बेल्ट ड्राइव, उसमें क्या होता है कि पुली पर एक ही बेल्ट को लपेटा जा सकता है, जबकि वी बेल्ट में क्या है, एक से अधिक पट्टे लपेटे जा सकते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा अंतर हो गया। अगला देखते हैं, चालन के दौरान पट्टे के फिसलने की संभावना बनी रहती है। ये तो हम जानते हैं कि फेल्ट बेल्ट ड्राइव में क्या होता है कि पट्टा जो है पुली पर फिसल सकता है, जबकि इसी के विपरीत जो है वी बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, पट्टे के फिसलने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है, ठीक। आगे देखते हैं, पट्टा तथा पुली के संपर्क सतह पर घर्षण कम होता है। फ्लैट बेल्ट में क्या होता है कि पट्टा और पुली के बीच के संपर्क का घर्षण बल जो होता है वो कम होता है, जबकि वी बेल्ट और पुली के संपर्क सतह पर घर्षण बल अधिक होता है, ठीक है। ये चारों चीज़ हम पहले से जानते थे, और आगे एक चीज़ और जानते हैं, क्या जानते हैं कि फ्लैट बेल्ट ड्राइव में अपेक्षाकृत कम शक्ति पारेषित की जाती है, जबकि वी बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, अपेक्षाकृत अधिक शक्ति का पारेषण किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, कम से कम ये पांच तो आपको याद होने ही चाहिए। ये पांच जो है बहुत ही ईजी है, और इसे थ्योरी में क्यों लिख देना है तो ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, कसे पश तथा ढील पश के तनाव का अनुपात कम होता है, यानी कि जो कसे पश जो एक तरफ का टाइट होता है, एक तरफ का लूज जो पश होता है दोनों का, उनका अनुपात कम होता है इसमें फ्लैट बेल्ट में, वो कितना होता है, वो होता है टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू ई दी पावर म्यू टू द पावर थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, तनाव का अनुपात अधिक होता है, टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू ई म्यू ई दी पावर म्यू म्यू दी पावर थीटा कॉसेक बीटा, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, याद करना पड़ेगा इसे, आप इसे याद करके जाइएगा एग्जाम में तो अच्छा रहेगा ना। आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें, आगे दे रखा है, इसके पट्टे के अनुप्रस्थ काट आयताकार होती है, जो फ्लैट बेल्ट होता है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो आयताकार होता है, और इसे एरिया निकालने का क्या है, बी इंटू टी, ठीक है, बी इंटू टी कर देंगे तो ये इसका एरिया निकल जाएगा। और जबकि जो वी बेल्ट होता है वो वी टाइप का होता है, तो यहाँ से इसको काट के इस तरीके से बनाया जाता है, तो इसके पट्टे के अनुप्रस्थ का सम लंबाकार होती है, मतलब कि नीचे का थोड़ा ये कम ये ज़्यादा, और इसको इस तरह से निकाल दें। इसका जब एरिया निकाला जाता है तो ए इजिकल टू ए प्लस बी बाई टू इंटू एच, और बी क्या होता है, बी होता है ए प्लस टू एच टेन बीटा, ठीक है। इस तरीके से इसे इसका एरिया निकाला जाता है, ये आपको याद करके जाना है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक। आगे देखिए, इस चालन में पारसित चालन, मतलब जो पावर पारित किया था वो कितना होता है फ्लैट बेल्ट में, टी वन माइनस टी टू इंटू वी वाट होता है, ठीक है। और यही बात कर लिया जाए वी बेल्ट के लिए, तो फार्मूला यही होता है, पी इजकल टू टी माइनस टी वन इंटू वी वाट। यहाँ पे एन मल्टीप्लाई कर दिया गया है, एन का मतलब कि जितने भी बेल्ट उसमें लगे होंगे, क्योंकि हम जानते हैं वी बेल्ट में एक से ज़्यादा भी लग सकते हैं, दो तीन चार पाँच, जैसी पावर की ट्रांसमिट करने की आवश्यकता हो वैसा हम लगा सकते हैं। अगर बेल्ट की संख्या तीन है तो यहाँ पर तीन का मल्टीप्लाई कर लेंगे और तिगना पावर का ट्रांसमिशन हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो है फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट में अंतर हम लोगों ने देखा है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग के साथ है खुला तथा क्रॉस पट्टा चालन में अंतर। अब देखिए, खुला पट्टा चालन और क्रॉस पट्टा चालन क्या होता है। खुला पट्टा चालन हम जाएंगे, जब पुली इस तरीके से लगी हो और बेल्ट ऊपर ऊपर लपेटा गया हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं खुला पट्टा चालन। क्रॉस पट्टा चालन क्या होता है, पुली इस तरीके से लगी होती है और बेल्ट जो उस पर लपेटा जाता है वो क्रॉस टाइप में, इस टाइप से लपेटा जाता है, उसे बोलते हैं क्रॉस पट्टा चालन। तो आइए देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है, पट्टे के दोनों पक्ष एक दूसरे को नहीं काटते हैं, पट्टे के दोनों पक्ष एक दूसरे को नहीं काटते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं, ठीक है। जबकि इसमें क्या है, पट्टे के दोनों पक्ष एक दूसरे को काटते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, दोनों पुलियाँ समान दिशा में घूमती हैं, दोनों पुलियाँ समान, अगर ये इधर घूम रही है तो ये भी इधर ही घूमेगी, दोनों पुलियाँ समान दिशा में घूमती हैं,
जबकि क्रॉस पोटेंशियल में क्या होता है, दोनों पुलियां विपरीत दिशा में घूमती हैं, एक अगर इधर घूमेगी तो दूसरी इधर घूमेगी। ठीक है, आगे देखिए, छोटी पुली का छादन कोण बड़ी पुली से कम होता है। छादन कोण का यह मतलब जहाँ पुली की जितने एरिया पर पट्टा टच करता है उसको बोलते हैं छादन कोण। ठीक है, पुली का छादन कोण बड़े पुली से कम होता है, जबकि क्रॉस पोटेंशियल में क्या होता है, छोटे तथा बड़ी पुली का छादन कोण समान होता है, दोनों पर समान होता है। ठीक है, छोटी पुली का छादन कोण इसका वैल्यू दे रखा है कि पाई माइनस टू अल्फा तथा बड़ी पुली का छादन कोण पाई प्लस टू अल्फा होता है। ठीक है, अगर ये या आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो तो इस लाइन को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, लिंक गलत करके नहीं आना है। ठीक है, जबकि इस पे क्या होता है, छोटे तथा बड़े पुली का छादन कोण पाई प्लस टू अल्फा ही होता है दोनों के लिए, ये अगर याद कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, आगे देखते हैं, पुली तथा पट्टे के मध्य छादन कोण कम होने के कारण कम शक्ति पारित की जाती है। मतलब छादन कोण जब कम होगा तो पावर का ट्रांसमिशन कम होगा, जब छादन कोण अधिक होगा तो पावर का ट्रांसमिशन अधिक होगा। तो क्रॉस बिल्ड में क्या होता है, अधिक छादन कोण के कारण अधिक शक्ति पारित की जाती है। ठीक है, आगे देखिए, कम लंबाई का पट्टा प्रयोग किया जाता है, इसमें खुला पट्टा साल में जो है पट्टे की लंबाई कम होती है, तो कम लंबाई का पट्टा प्रयोग किया जाता है, जबकि इसके विपरीत क्रॉस पट्टा में पट्टे की लंबाई अधिक होती है। ठीक, आगे देखिए, पट्टे की घिसाई कम होती है, जो खुला पट्टा चाल होता है उसमें पट्टे की घिसाई कम होती है, इसलिए पट्टे का जीवन काल अधिक होता है। ठीक है, और इसमें क्रॉस पट्टा चाल में क्या होता है, पट्टे की घिसाई अधिक होती है इसलिए इसका जीवन काल कम होता है। ठीक है, यह अंतर जो है हम लोग को याद करके रखना है, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल भी नीचे दिए गए हैं, तो हम बता दें आपके सब्जेक्ट से न्यूमेरिकल आने की संभावना बहुत ही कम होती है, 95% तक थियरी आता है, कभी कभी 5% में न्यूमेरिकल आ जाते हैं, वो भी ऑप्शनल होते हैं, तो आपको 100% थियरी तैयार करके जाना है। थियरी तैयार करने के बाद अगर टाइम बचे तब उसे हम लोग न्यूमेरिकल के लिए देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं चैन ड्राइव के बारे में। ओके, थैंक यू।